ये सारे इंतजाम हमारे लिए
अपनी जिंदगी पे बाकी रखने का इलाही नुस्खा है, जिसे आप हिदायत के सिलसिले में उन्वान से पढ़ते समझते हैं। जब आप इब्राहिम और मासूमीन का जिक्र करते हैं तो इनकी शख्सियतें सिर्फ इसीलिए हैं आपके बीच में कि हम अगर अच्छे खल्क हुए हैं तो हम अच्छे बने रह जाएं। इसी अच्छे बने रह जाने के लिए कुछ अच्छी शख्सियतों की जरूरत पड़ी, या फिर वो आईना कौन सा होगा जिसमें बिखरी हुई जिंदगी अपनी जिंदगी को संवारने के लिए करीब आके देख सके कि हम अपनी जिंदगी को बचा पाए या नहीं बचा पाए। इसकी तस्दीक कहां से होगी? इसलिए कि हर कोई अपनी जुबान से कहता है मैं मर्द मोमिन हूं, हर मुसलमान तैयार है जन्नत में जाने के लिए, बिल्कुल आमादा बैठा हुआ है, जन्नत तो हमारी है। तो जब सब कुछ आपने फैसला कर ही लिया तो फिर इसका नतीजा क्या हुआ? आपके बीच में जन्नत आपकी हो गई, मोमिन आप बन गए, फिर ये हुआ कैसे आपके साथ? का कलमा पढ़ लिया, मोमिन हो गए, नबी की उम्मत में दाखिल हुए, जन्नती हो गए, बस इतना सफर सफा बचा और कुछ नहीं। और जब आप अपने बीच में अपने अकायद के दायरे में सारी चीजें देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जब तक इंसान बात बैठ कर, इंसान सिर्फ सूरत से इंसान नहीं होता कि हम बहुत हसीन तरीन दिखाई दे रहे हैं, जिस्मानी कैफियत हमारी इंसान जैसी है और हसीन तरीन है इसलिए हमारी जिंदगी हसीन है, नहीं। सीरत लाजिम है सूरत के साथ। अगर हसीन सूरत ही मेयार जिंदगी होता तो कभी तारीख इस्लाम में न बिलाल की उंगली होती न जौन का तस्करा होता। ये सियाफाम की जिंदगियां इतनी बुलंद हो क्यों गई? पस्त कबीले के थे, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, हकीर निगाहों से लोग देखते नहीं थे, शक के एतबार से सियाह थे, कबीले के एतबार से पस्त थे, मुल्क के एतबार से गिरे हुए थे। जहां आए थे वहां के लोग अपने अरब मुल्क में रहने वाले लोग मगरूर थे कि हम तो अरब हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं, हम ही बोलना जानते हैं और सब गूंगे हैं। जहां अपनी जुबान पर मगरूर लोग हो, अपनी गुफ्तगू में मगरूर हो, अपने इल्म पर मगरूर हो, अपने हसीन चेहरों में मगरूर हो, आका ज़ादे होने पे मकरूर हो, जहां अपने लिबास को मेयार बनाए, जहां बड़े बड़े महल के मेयार बन जाए, वहीं अगर उसी मदीने में आकर उसी मक्के की सरजमी से लेकर अगर हबश का रहने वाला हमारे बीच में बुलंद हो गया और वो भी अवाम के हाथों बुलंद नहीं हुआ, नबी के हाथों बुलंद हुआ, और नबी के हाथों ये बुलंदी बता रही है कि तुम अपने अंदर वो तलाश करो जिसकी बिना पे नबी ने बिलाल को बुलंद किया है। सवाल तकवीम की जिंदगी बेहतरीन जिंदगी। और फिर मैं आपके बीच में आज कर दूं कि अगर हम इंसान बन जाएं तो उसके बाद आपको कुछ बनना ही नहीं है, इसलिए कि इस्लाम भी आपको इंसान ही बनाना चाहता है, इसलिए कि इंसान की सही कैफियत ही साहिब ईमान होती है, साहिब ईमान की पुख्तगी ही तकवे की मंजिल में लाती है, तकवे की बुलंदी ही खुदा रसूल और इमाम की मार्फत का रास्ता हमवार करती है। तो उसके बाद अगर आप इंसान बन गए तो अब ये नहीं हो सकता कि हम इंसान नहीं बने और साहिब ईमान हो गए, हम इंसान नहीं बने और मुत्तकी हो गए, हम इंसान नहीं बने और हम मद्दाए अहले बैत हो गए, हम इंसान नहीं हुए हम खतीब और जाकिर बन गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इंसान ही नहीं बने इब्तदाई मरहले ही में आप नहीं है तो फिर उसके बाद जो चीजें आप बनेंगे उस सब की बदनामी का तो सबब हो सकता है, इज्जत का सबब ये नहीं हो सकता। इसलिए इंसानियत अगर नहीं है तो कोई शोबा है आपके कामयाबी नहीं हो सकता। जब तक
हमारे बीच में सीरत का कोई आईना नहीं होगा तब तक हम अपनी सीरत को नहीं संवार सकते। आईना इसलिए कहा जा रहा है कि जब आपके चेहरे पे कोई दाग पड़ जाए तो अपने चेहरे के दाग को आप देख नहीं पाते। आप हैं करीब हैं चेहरे पे लेकिन दाग दिखाई नहीं देता। और जब ये दाग नहीं दिखाई देता इसका मतलब क्या हुआ? इशारा क्या है मतलब कि जो चीजें बहुत करीब होती है वही नहीं दिखाई देती हमें मादी हैसियत से। दूर में हाथ देखते हैं, पैर देखते हैं, तो 100 मीटर पे आदमी देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, फिजा देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन नहीं देख पाते तो आपके करीब है। तो कैसे देखेंगे अगर करीब भी आपके करीब वाली चीज आपको नहीं दिखाई दे कैसे देखेंगे इसे? क्या बेहतरीन तरीका है? आप अगर घर से बाहर निकले और देख कर कोई हंसने लगा तो पहले तो आप फिर वापस घर में आके आईने के सामने खड़े हो जाएंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है। और जब आईने में आपने देखा आपके चेहरे पे दाग लगा हुआ है उसे आपने धुल लिया, साफ कर दिया। लेकिन यही दाग अगर हाथ में होता तो वहीं देख लेते, आईने के सामने ना आता होता। अगर आपके पुश्त में पीछे पेड़ पैर में लगा होता तो फौरन देख लेते, अगर आपके पेट में लगा होता तो देख लेते, लेकिन नहीं देख पाए तो आंखों के करीब। इसका मतलब इशारा कुदरत ने क्या दिया कि दूर की शय देख लेते हो, इसीलिए दूसरों की बुराई दिखाई देती है, अपनी बुराई नहीं दिखाई देती, इसलिए कि वो करीब है, दूसरे की दूर है, तो अपनी वाली कब दिखाई चला भेज रहा होगा। क्योंकि अपनी नहीं दिखाई देती दूसरे भी दिखाई देती। फला साहब अजीब है, फला साहब तो ऐसे है, क्यों? इसलिए वो दूर है आपसे, करीब नहीं देख पाते आप। अब इसकी करीब देखने के लिए आपको आईने की जरूरत है। अगर चेहरा दागदार हो जाए तो आईना दिखाएगा तुम्हें कि दाग लगा है, साफ कर लो। अगर इंसान की सीरत दागदार हो जाए तो मासूम का आईना बताएगा दागदार हो गए हो, देख लो सीरत कैसी होनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह ने हर जमाने में मासूम की सीरत का आईना लगा दिया। जिस जमाने में धोखा खा जाओ इस आईने में आके फरेब से निकल कर ऐसे तकबीर को पहचान लो। कौन बताएगा कि तुम्हारी असल जिंदगी है क्या? तुम खुद से खोते चले जा रहे हो अपनी असल जिंदगी को। तो आओ देखो यहां, इसीलिए लोगों ने मासूम अकीदे से दूरी अख्तियार की। क्यों? आ जाते हैं, मैं अगर एक मिसाल दे दूं, मैंने नबी ने कहा इन तरह सफेद किताबों लाओ करती दो से छोड़े जा रहा हूं किताबों की तरफ, तो बड़ी आसानी से किताब क्यों ले ली गई? हसमना किताब ला करके इतरत छोड़ के इतरत का तर्जुमा बदल दिया। इंदिता को भी सब किताब ला सुन्नति, मैं तुम्हारे बीच अपनी सुन्नत छोड़े जा रहा हूं किताब छोड़े जा रहा हूं। तो किताब क्यों ले लिया? सिर्फ सुन्नति ले लेते, इसलिए कि हमें इस पर एतराज नहीं है कि इतरत है कि सुन्नत। लोग हो सकता है घबरा जाए कि नहीं सुन्नत नहीं नबी ने कहा इतरत का, तो इतरत और सुन्नत में फर्क क्या है? जो सुन्नत रसूल की है वही सुन्नत इतरत की है, उन्हीं के किरदार के तो वारिस बने हुए हैं अहले-बैते रसूल। लेकिन वो सुन्नत मिले तो आसानी से, वो सुन्नत मिली नहीं पाती, इसीलिए नबी ने कहा इतरत। कुरान ले लिया क्यों? इसलिए कि कुरान टोकता नहीं, कुरान बोलता नहीं, कुरान तहरीर है। मातुल रशीद वजू कर रहा था, आठवें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम दाखिल हुए। जैसे ही देखा वजू करते हुए मामून तेरा वजू गलत है, घबरा गया खलीफतुल मुस्लिमीन। लेकिन वली अहद बना चुका तो कहे क्या? वजू गलत है। अब अगर इस वजू करने में 200 कुरान रखा होता मामून रशीद के सामने तो किस
उसी कुरान से आवाज आपने कितना वजू करो। इसलिए जो कुरान ने सामी कर बोलता नहीं, कुरान ने नाते बोल देता है। इमाम ने कहा तेरा वजू गलत है, उसने कहा बहुत रसूल क्यों आप कह रहे हैं ऐसा, क्या हो गया? क्या वजू है इबादत की इब्तिदा? और जब इब्तिदा है इबादत की वजू, अल्लाह कह रहा मेरी इबादत में किसी को शरीक ना करो, तू मासूम नहीं है, तेरे हाथ पैर सही है, तू गुलाम से वजू का पानी ले रहा है, इसका मतलब अपनी इबादत है इलाहिया में गुलाम को शरीक कर रहा है। जब उसकी शिरकत को कहते ना वजू सही नहीं है। अब आप समझे नबी ने क्यों कहा था इतनी तारीफ में सब रहे किताबों ना होती कि कुरान तो चुप रहेगा, इतना बोलती रहेगी और जब बोलती रहेगी तो कुरान का पैगाम लोगों तक पहुंचता रहेगा। जवाब मिल जाए मैनेजमेंट ने औरत को दे दिया, नेशन उसको दे दिया, मर्द को तू बाहर चला जा,
ये घर में चला जाए। अगर बाहर और अंदर में इत्तेहाद नहीं रहेगा तो कभी नस्लें न पाकीज़ा हो सकती है न हिदायतियां अता हो सकती है। इन दोनों को मुत्तहिद रखना पड़ेगा कि बाहर वाला है तो घर वाली आके उसका इस्तेमाल करे, घर वाली पढ़े तो बाहर वाला उसे मोहब्बत से देखे। जब तक दोनों तरफ से एक दूसरे में मोहब्बत और मोहब्बत नहीं पाई जाती वहां कभी औलाद सलीके की हो ही नहीं सकती। इसलिए कि जो माँ बाप के इख्तलाफ को देखेगी वो बचपन ही से अपने रास्ते को बदल देगी। इसीलिए कहा गया माँ बाप को बच्चों के बीच में वो इखलाक पेश करना चाहिए कि जिस इखलाक के मालिक को बनकर जब घर से बाहर निकले तो दुनिया कहे फलाक का बेटा है। इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। सलाम भेजते हैं ईमान के तौर के एतबार से बच्चे वालदैन का आईना है। अब आप बताइए कितनी दुश्वारी है हमारे लिए कि बच्चे अगर हमारे किरदार और सीरत का आईना है बाहर निकल तो आपसे अगर ये असल हो गया बहुत अच्छा बहुत अच्छी इसकी आवाज है तो फलां का बेटा है तो आप तो खुश हो गए कि हम आवाज उनको मिल रही बाप की। अरे ये तो नमाज का बड़ा पाबंद है इनके वालिद साहब भी होते हैं तो ये तो आ गए। लेकिन अगर आप वैसे नहीं हुए जैसा बाप था तो लोग फिर कहना शुरू कर दे इसके ऊपर बाप का असर नहीं आया। इसका मतलब वालदैन का असर होना चाहिए उन वालदैन का असर होना चाहिए जो अच्छे हैं, कहीं उन वालदैन का असर ना आ जाए जो बुरे हैं। इसलिए कि अक्सर मैं देखता हूं कि बाप नमाज नहीं पढ़ता बेटा पढ़ता है। अब आप बताइए अगर बेटा पढ़ता है और बाप नहीं पढ़ता तो कहां से इसे नमाज मिल गई। लेकिन हमें तो यह बताया जाता है कि घर में जैसा करोगे बच्चे वैसे करेंगे तो बाप ने नहीं किया फिर बेटा कहां से नमाजी होगा। इसलिए सिर्फ एक ही चीज नहीं होती कि जैसा आप करोगे वैसे बेटा करेगा। जिस मुआशरे में बेटा रहता है वो मुआशरा भी वैसे ही माहौल में ढलना चाहिए जैसे आपका घर का माहौल है। अगर घर के माहौल से मुआशरे का रिश्ता कायम नहीं होता तो 2 घंटे बेटा घर में शरीक रहेगा 22 घंटा बेटा बाहर शरीर हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है खुद अच्छे बन जाना अच्छी बात नहीं है, लोगों को अच्छा बना के अच्छे बनना ये ईमान की दलीलों में शुमार किया गया है। ईमान के वालदैन शाहजादी मौला अली जिनका बाप मौलाए कायनात हो जिनकी मां सिद्दीकाए कौमैन हो अब उनके बच्चे कैसे होंगे उनके ऊपर बच्चों का असर होगा। देखिए यह है मासूम मासूम बेटे हैं यही है ऐसे तकवीम की जिंदगी का आईना। लेकिन क्या कहना शाहजादी का बेटा कि आप करता मकसद है सब जुमा भी है और निजाम इसमें आ जाए जिससे सारे सवाल का बेहतरीन जरिया हो जाए शाहजादी के सत्ते में कि जरा भी बात करते हैं कि अब आप उनकी जिंदगी को देखें। जब शाहजादे घर से बाहर निकलते थे तो बैठ के समझाते थे बेटा निकलना तो बड़ों को तादब करना और ये आज ऐसे तरीका है कि अच्छे घर की तहजीब समझा के भेजती थी। अब आप कहेंगे कि शहजादों को समझाने की क्या जरूरत जो पूरी कायनात को समझाने आए हैं उन्हें शहजादी समझा रही है। इसलिए नहीं समझा रही कि समझाने आए हैं इसलिए समझा रही है कि एक मां की जिम्मेदारी दुनिया की माए समझ ले। अगर वो मेरे दर से वाबस्ता है तो ये समझ ले कि जब मैं मासूम बच्चों को समझा के बाहर भेजती हूँ तो तुम्हारे बच्चे तो गैर मासूम है वो भी कुछ भी कर सकते हैं बाहर जाके तो तुम्हें किस तरह उन्हें समझा के भेजना चाहिए। अपनी कनीजों को ये पैगाम देना था कि अपने बच्चों को घर से बाहर निकालो तो तहजीब से आरास्ता करके निकालो
जिससे उस घर की आबरू बची रहे, जो घर लोगों के बीच में मुंह पर पाया जाता है। सलावत भेजते हैं आप। शाहजादी का तस्करा इस वक्त आपके बीच में किस हद तक मुमकिन है कर सकता हूँ, बस इतना सा कि बहुत फजाइल आपके बीच में बयान किए जाते हैं। शाहजादी सिर्फ और सिर्फ खवातीन की हवाली नहीं है, पूरे आलम इंसानियत की हवाली, सबके लिए पैगाम है। मासूमा है सबके लिए इनका पैगाम है, अगर सबके लिए इनका पैगाम है तो आप जानते हैं कि एक मैं बहुत पहले अर्ज क्या करता था और बहुत दिन हो गया तो फिर मैं अर्ज कर दूं, एक तौले मासूमा, एक तौले मासूमा अगर खवातीन के जहन नशीन हो जाए तो उनकी जिंदगी में इंकलाब बरपा सकता है। एक और बहुत आसान सा जो शायद सभी सुन लेंगे, शाहजादी ने अपनी कलीलों को पैगाम क्या दिया कि तुम्हारे हसीन, तुम्हारा हसीन किरदार तुम्हारा बेहतरीन जेवर है। शाहजादी जेवर क्यों है? हसीन किरदार, हसीन सीरत नहीं, तुम्हारे हसीन सीरत तुम्हारा जेवर है, बेहतरीन जेवर है। क्या नफ्सियाती गुफ्तगू की शाहजादी में, कहीं भी आप देख लीजिए खवातीन की बस में जेवर का नाम लीजिए चाहे उठेंगे सब। अगर कोई बीमार खातून है उससे कहिए कि मैं फला जगह जेवर देख के आया, बहुत खूबसूरत है तुम्हारे घर, वो फौरन तैयार हो जाएंगे जाने के लिए चाहे उनका कुछ भी हाल हो। ये शौक है उसके अंदर, एक नफ्सियाती पहलू उनके अंदर कि वो जेवर के नफ्स से बड़ी मानूस है। तो जब नफ्स जेवर से बहुत मानूस है तो शाहजादी ने भी उसी लफ्ज का इस्तेमाल किया कि जब मैं इनसे कहूंगी तुम्हारा जेवर तुम्हारा हसीन किरदार है, अगर इसी जेवर को पा ले औरत तो दुनिया में किसी चीज की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, हर शय उसके धर्मों का भोसा देगी। इसलिए कि दुनिया के जेवर तो होते हैं, नहीं कहता दुनिया के जेवर नहीं चाहिए, चाहिए उसे भी चाहिए। अब शौहर के लिए वाजिब करार दिया गया है अपनी बीवी के लिए जेवर का इंतजाम करना, जिस हैसियत का भी वो हो। और इस तरफ नहीं जाना कि खवातीन के फराइज क्या है शरीयत में, वो सब उलमाए कराम बताते हैं आपको। मैं इतने जानता हूं कि आपके ऊपर फर्ज है, तीसरे दिन शायद गोश्त घर में लाना, बीवी के लिए जेवर का इंतजाम करना, ये सब चीजें आपके ऊपर फर्ज की नहीं है। शौहर के हिस्से तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो बीवी अपने मायके में और आप अपने घर में रहते हैं तो क्या किया जाए इसके लिए। ये तो सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है हमारी, इस जरा सा नाराज हुए एक दूसरे से अलग हो गए, बात खत्म हो गई। ना अम्मा राजी हो रही है ना उनकी अम्मा भेजने को राजी हो रही है। तो अम्मा ने तो आप किया नहीं था, आपको आपने किया था, राजी तो आपको होना चाहिए। अम्मा को राजी होने की क्या दौलत है इसमें, जिंदगी आपकी संवरनी है, जिंदगी आपकी बचनी है, तो आप कभी भी इससे गाफिल नहीं हो सकते, अपने फराइज से गाफिल नहीं हो सकते। यार कि आपके ऊपर वाजिब है बीवी बच्चों की हिफाजत, अगर आप इस अमल को छोड़ा तो वाजिब छोड़े बैठे हुए गुनाहगार होंगे खुदा के। ये कैसे तुमने कर दिया, जैसे आपने एक मुर्गी के पूछने पर हाँ कहा उसी वक्त से लेके मैयत उठाने दफ्त करने तक के जिम्मेदार आप हैं, उसमें और कोई जिम्मेदार नहीं है आपका कि कोई और दाखिल हो जाए। अगर आपकी हालत ठीक नहीं तो मदद करना और है, जिम्मेदारी उठाना और है, जिम्मेदार आप होंगे, मददगार कोई हो सकता है। तो मैं बताता हूं तो सेवक किरदार को बनाओ, दुनिया के सेवक में किरदार के सेवक में फर्क क्या है? दुनिया का सेवक, दुनिया भी मिट जाएगी, सेवक भी मिट जाएगा। एक महसूस उम्र के लिए सेवक होता, अगर 20 साल की उम्र में कोई जेवर पहन के खातून बैठी है और फिर 80 साल के बाद उसने निकाला उसी जेवर को फिर पहन लिया है तो 20 साल में लोग वाह-वाह कर रहे थे खवातीन, 80 साल में हंसते रहे, इसका दिमाग मार दिया है, ना पेट में आग ना मुंह में दांत है, सब क्या पहने बैठे। इसका मतलब वो जेवर जो आपके लिए मजाका खेज बन जाए वो दुनिया का है, लेकिन जो शाहजादी ने सेवा दिया जितना पुराना होगा होता चला जाता है, वही कीमती होता चला जाता है। अगर कोई संजीदा बीवी है जो 25-30 साल की उम्र में इबादत गुजार भी है, संजीदा भी है,
बेटियों की उंगली पकड़कर औरतें लाएंगी, चलो लिखा है उस बुजुर्ग को। क्यों? कहा जब से मैं देखती हूं ऐसे ही संजीदा, ऐसे ही इबादत गुजार। इसका मतलब है कि जो चीज लेकर दिखाने आई है वो शहजादी का दिया हुआ जेवर है, जो पुराना होते होते चमकता चला जाता है। दुनिया का जेवर पुराना हो गया बाजार में बिक जाता है, शहजादी का जेवर कयामत की सरहदों से जाके मिल जाता है, कब्र में भी काम आता है, हश्र में भी काम आता है। शरीयत की संजीदगी का पैगाम है, कुरान की अजमत का पैगाम है, इसकी सदाकत। अरे ये सारी चीजें आपको मिलेंगे जितने भी आपके नकलो किताब जो मुकम्मल आई है आपको इशारे मिलेंगे। इसलिए कि जैसे 14 मासूम है उसी में एक मासूम ये भी है, और शहजादी ने हर शोबा हयात में अब कमाल सीरत शहजादी या मुझे सीरत शहजादी ये है कि 60 साल की किसी खातून ने नहीं कहा आज तक कि शहजादी को 18 साल तक क्यों, 18 साल के हालात को बताए होंगे, हम तो 60 साल के होंगे। क्या कहना है मौजूदा सीरत फातिमा से कहा कि 18 साल में तमाम मसाइल का हल इस तरह रख दिया कि 200 साल कोई खातून जिंदा हो तो उनके लिए भी फातिमा ज़हरा ही नमूना अमल बनी रहेगी। हर शोबा है पहले से हाथ है, लेकिन कितना सब करते कि मसाइला सुनते हैं, फरिश्ते आए रोटियां मांगने आए, और वो तमाम कुरान ने उसका जिक्र कर दिया, मुबाहले में नहीं हो। लेकिन इस तरह से शरीयत इलाहिया की बका की सामी बनी हुई शहजादी फातिमा ज़हरा, जिनके 11 बेटे इमाम, जिनका शौहर मासूम, जिनके वालिद को मासूम, उम्मे अबिया, क्या खूबसूरत लफ़्ज़ है। कायनात की किसी खातून का ये लकब नहीं हो पाया, कोई नहीं बना आज तक किसी का लकब है नहीं है। हम तो समझते हैं कि इस्लामी दायरे में आधा मुसलमान तो इसकी माने नहीं जानता होगा, ये और मुसलमान है जो कुछ नहीं जानते, तो उम्मे अबिया जानती है उन्हें क्या चीज है, वो सुनते होंगे। उम्मुल मोमिनीन बना देना आसान था, लेकिन उम्मे अबिया का लकब किसी को मिल जाए ये बहुत मुश्किल है। महसूस हो गया शहजादी फातिमा से जो अपने बाप की मां बन जाए, अपनी मां के बाद वह खिदमत की है अपने बाप की। ताक रसूल हमेशा रहते बचपन में 5 साल की उम्र में आपकी वालदा का वफात वालदा की होगा, जनाबे खदीजा की वफात हो गई 80 हिजरी में, 5-10-62 में और 5-62 में आपकी विलादत हुई है, तो 5 साल की उम्र। 5 साल ही से शहजादी एक अजीब कर जिंदगी गुजारने लगे, लेकिन जब तक रसूल थे तब तक नबी पर आने वाली परेशानियों मुसीबतों को देखती रही। कोई पत्थर मार रहा है तो कोई मजनू दीवाना कह रहा है, कोई पुलिस देख रहा है, लेकिन जब यही बात रसूल आपने मुसीबतों तो एक ऐसी बात और इब्तदा हो गई मसल कारोबार। जब आप अपने घरों में खवातीन के इंतकाल पर मजलिस अज़ा बरपा करते हैं तो शहजादी का जिक्र होता है, इसलिए कि हम जानते हैं कि जैसे कि मजलिस बरसी की मजलिस है और एक मोबिला की इस तरह सवाल में मुनक़िद है, कम उम्र में इंतकाल कर गई, बच्चे छोटे छोटे थे, ज़हन इंसानी के अतबार से अभी जरूरत थी, लेकिन मौत का वक्त ए तौर पर मौजूद। लेकिन जब आप ऐसे माहौल में शहजादी का जिक्र सुनते हैं तो उम्र कम रही होगी आपके घर में बढ़ने वाली खातून की, लेकिन शहजादी की उम्र तो 18 ही साल थी,
18 साल में कितने मसायब आपके ऊपर आने पड़े, कितनी मुसीबत आपके ऊपर आ गई, आप उसे संबोधित नहीं कर सकते। रोज सुनने की वजह से हो सकता है उसका एहसास ना होता हो। शहादती रसूल की बेटी है, उसके ऊपर इतने मसायब टूट पड़े, लेकिन मसायब को याद करके सुफत लिया मसिया पढ़ना पड़े कि मुझ पर इतने मसायब टूट पड़े कि रोज रोशन में पढ़ते तो सियाह रातों में पड़ती। आजादारों वसीयत नामा है जो अक्र में जिंदा था, उसमें ही एक चीज मुझे अजीब लगती है। शहजादी ने वसीयत की थी अबुल हसन, मेरे बाप आप शादी करेंगे, शादी करिए, शादी करनी है आपको, इतना ख्याल रखना कि मेरे बच्चों को तनहा ना छोड़ना। ये वो थे अंदाज था वसीयत का, या शादी करिए ठीक है आप कर लीजिएगा, लेकिन बस इतना ख्याल रखे कि एक दिन अपनी बीवी के साथ रहिएगा, एक दिन मेरे बच्चों को दे दीजिएगा, इसलिए मेरे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, कहीं मेरे माँ के ना होने का एहसास ना पैदा हो जाए। ऐसा जाते जाते माँ को कितनी फिक्र है बच्चों की, अपने कितनी फिक्र है छोटे छोटे बच्चों, इसलिए जनाबे वो में कुलसूम कितने दिन की है, 6-7 साल यही तो उम्र है आपकी, आपकी शहादत की वफात के मौके पर 6-7 साल की बच्चियां, 5-6 साल की बेटियां, 7-8 साल के बेटे, और मां इस दुनिया से जाने के लिए अमां यार, ये जरा बात जरा जैसा, इसीलिए आप जानते हैं कि शरीक हयात से इतना रिहास रखा आपने, जरा बोला है नबी ने कहा था बेटी अली के घर जाकर उनसे कुछ फरमाइश न करना, मांगना नहीं। बेटी मैं इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है तुम्हारी ख्वाहिश अली पूरी न कर पाए तो उसका दिल मलूल होगा। जनाब सैयदा ने पूरी जिंदगी कुछ नहीं मांगा, एक दिन आके सामने खड़ी हो गई और खड़ी होकर कहा कि मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं, और आज इसलिए मांगने जा रहे हैं, जो मांगने जा रहे हैं वो आपके पास है। शहजादी क्या चाहिए आपने? कहा मुझे मेरे बाबा का वो पैराहन दे दीजिए जो आपने गुस्ल के वक्त निकाला था, उसे आपने महफूज रखा। बेटी ने बाप का पैराहन मांगा, दे दिया उन्हें, मांग ने रहा चले गए मस्जिद, आपने नमाज अदा की, हुजरे में गई आसमान, इतना ख्याल रहे जब तक मेरी आवाज आ रही है, जब तक ये तस्बीह की आवाज आ रही है तब तक समझना मैं दुनिया में हूं, लेकिन जब आवाज आना मौकूफ हो जाए समझना मैं दुनिया में नहीं। शहजादी आप क्या कहेंगे? हाँ मेरा आखिरी वक्त करीब है कि मैं बहुत जल्द अपने बाबा से मिलने वाली हूँ। मैंने कल शब के ख्वाब में देखा था कि मेरे बाबा ने कहा था बाप बेटा घबरा नहीं, बहुत जल्द तुम उससे मिलने वाली है। मैं नहीं कहता कि सब कुछ कह दिया था किसी ने, लेकिन असल बात जो थी वो थी, कायदा तो कह दिया मैंने, अब उसके बाद जो खास ख्याल तुम्हें रखना है वो ये कि जब मैं इस दुनिया में ना रहूं और मेरे बच्चे घर में आए जो इस वक्त नहीं है, तो मेरे बच्चों को मेरे मरने की खबर ना देना। शहजादी क्यों? क्या नहीं, जब मेरे बच्चे मेरे मरने की खबर पाएंगे तो मेरे बच्चे खाना नहीं खाएंगे, फिर वो मेरी तरफ आ जाएंगे, मेरे गम में डूब जाएंगे। इसका मतलब है माँ को मरने की फिक्र नहीं है, बच्चे के भूखे रहने की फिक्र ज्यादा। जब ऐसी माँ दुनिया से जा रही हो तो कोई हसनैन से पूछे, कोई जैनबों में कुलसूम से पूछे। बामियाजा शहजादी के मसायब को ज्यादा करना मकसद नहीं है, लेकिन बस इतना सा कि जब आप इस दुनिया से रुखसत हो गई, शहजादे घर में आए, साहब आपके सामने हैं, जो आप जिसों में अक्सर सुनते हैं, मैं बयान करता हूं, बच्चों को खाने के वक्त भी इतना मिली कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, तो बच्चे दौड़े हुए गए और माँ की मैयत से निपट कर फरियाद करने लगे, अम्मा आपने मुझे तनहा छोड़ दिया, आप इस दुनिया से रुखसत हो गई। रोते हुए बच्चे निकले और जब आगे बढ़ देखा कि मस्जिद से निकल के बाबा आ रहे हैं, जैसे ही अली ने देखा मेरे बच्चे रोते
اسی شہزادی کی وفات اور اس کا ثواب مرحوم تک پہنچاتے ہوئے بات تمام کر رہا ہوں. ایسی منزل میں آئے مولا علی, آپ نے آگے حسنین کو بٹھایا, اجرے میں گئے, شہزادی کو دیکھا, وصیت کے مطابق آپ نے آپ کو غسل و کفن دینا شروع کیا. آپ جانتے ہیں اس چیزیں مسائل کی جو ہے آپ کے ذہنوں میں بس تو آنا اور یاد دلائی, یاد دلا رہے مسائل کیا ہیں. تو جناب غسل تو دے دیا شہزادی کو, لیکن جب باہر نکلے تو سلمان سے بھی روایت ہے اور قمبر سے بھی, یہ قمبر نے مرد کہا مولا آپ میرے صحابی امام, آپ اتنے مرحلے کو صبر کی منزلوں سے گزر گئے, آج کیا ہو گیا آپ کو کہ اتنا تیز چیخ کر لو آپ کی, آپ کی آواز حجرے سے باہر میں نے یہاں سنی ہے, تبھی سے میں کہا وہ بے چینی میں ہوں مولا کیا ہو گیا. جیسے ہی کہا مولا علی نے کہا قمبر کاش تم نے وہ دیکھا ہوتا جو علی کی نگاہ نے دیکھا, کہا مولا کیا ہو کاش شہزادی کی ہڈیاں شکستہ. یہ غم تو مولا علی کو کہ مجھے یہ اذیت نہ ہو اس لیے مجھے چھپا کے رکھا. سزادارو وہی شہزادی آج جب دنیا سے رخصت ہوئی, کفن پہنایا گیا, جنازہ تیار ہو گیا, آپ کے جنازے کو لے کر جیسے ہی گھر سے باہر نکلے ویسے ہی بچوں میں ایک بہت پیدا, بچیاں گھر میں بچے باہر. ایک روایت اور بات تمام کہ جب اولا علی لے کے آئے ہیں اور چاہا کہ سپرد خاک کیا جائے, قبر جو کہا جائے, آپ نے دیکھا کہ قبر سے دو ہاتھ نکلا, جب دو ہاتھ تب ادال ہوئے تو اولا علی کے رس گئے, ہاتھوں پہ میت رکھ دیا لیکن آواز دیا رسول اللہ جیسے آپ نے مجھے یہ امانت دی تھی میں واپس نہ کر سکا, مجھے معاف کرنا, الباب اللہ سے اتنا ہی نہیں ہے, جب قبر تیار ہو گئی تو مولا علی نے اپنے رخسار کو قبر سیدہ پہ رکھا اور رکھ کر آواز دیے شہزادی میری شکایت رسول سے نہ کرنا, آپ پہ جلتا ہوا دروازہ گیا, آپ کی ہڈیاں شکستہ ہوئی, آپ کے رونے پہ پابندی لگی, آپ کا حجرا گرایا گیا, ڈانٹتے ڈانٹتے مولا علی قنودگی کے عالم میں آ گئے اور جب قنودگی میں آئے تو محسوس کیا کہ جیسے شہزادی سامنے کھڑی ہو, کہہ رہے ابو نصر میں نے کہا تھا میرے بچوں کو تنہا نہ چھوڑنا, بچے گھر میں تاب رہے ہیں, آپ جلدی سے گھر جائیے. علی اٹھے قدم آگے بڑھایا, گھر میں گئے تو دیکھا بچے لٹکے ہوئے, اے ابا آپ کے بغیر کیسے زندہ رہوں, علی نے گود میں لیا, اے بچو تیرا بابا زندہ ہے, اگر تیری ماں اس دنیا روزی فاطمہ بنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم.